आचार्य श्री 108 बसनंदी महाराज मुनिसंघ ओल्ड ईदगाह के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है। गुरुवार को आचार्य श्री ने भक्तजनों को विधान और दान के विषय में विस्तार से बताते हुए दोनों के महत्व को भी समझाया। आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज मुनिसंघ ओल्ड ईदगाह के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है। गुरुवार को आचार्य श्री ने धर्म सभा के दौरान भक्तों पर प्रवचनों के माध्यम से अमृत वर्षा की। विश्व में विद्यमान सभी भव्य जीवों का कल्याण करने में समर्थ, जिन शासन सदैव जीवंत रहे और जयवंत रहे, ऐसी पवित्र भावना के साथ यहाँ आपसे कुछ चर्चा करते हैं। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पूर्ववर्ती आचार्यों का एक श्लोक है, दानम दुर्गत नाशाय शीलम सदगत कारणम तपह कर्म विनाशाय भावना भवनाशिनी। मंदिर में आयोजित धर्म सभा में आचार्य श्री ने एक राजा और रानी की कहानी भक्तजनों को सुनाई, साथ ही साथ विधान और दान के विषय में विस्तार से बताते हुए दोनों के महत्व को भी समझाया। प्रत्येक व्यक्ति का महत्व, राजा के लिए कर्तव्य दिया कि राजा इन चार वर्ग का ध्यान रखे, कम से कम चार का ध्यान रखेगा तो राज का संचालन कर पाएगा, और चार में से कम कर दिया तो राज का संचालन न कर पाएगा। फिर तो वह छह वर्ग करे, आठ वर्ग भी कर सकता है, चार कम से कम कौन से हैं? सबसे पहला वर्ग राजा का मंत्री परिषद, यदि यह व्यवस्थित है तो राजा का राज सुरक्षित है। आचार्य श्री की अमृतमय वाणी सुनने के लिए शहर भर से बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। 28 फरवरी को आचार्य श्री छिपी टोला के बड़ा दिगंबर जैन मंदिर में भक्तजनों को संबोधित करेंगे। सी न्यूज के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट।